हमारे इधर पाव भाजी के बारे में संवाद करने के लिए एक पाव भाजी एक्सपर्ट जिनका नाम है श्री प्रकाश जी चव्हाण, उनको बुलाया है। तो हम लोग पाव भाजी के बारे में थोड़ा सा संवाद करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए यह है कि आप जो पाव भाजी बनाते हैं उसमें वो बटर पाव भाजी होती है, सादी पाव भाजी होती है, मगर इसके अलावा और कौन कौन सी पाव भाजी होती है उनके नाम बता दीजिए। अपने पास जो पाव भाजी बनती है उसमें नॉर्मल अपना जो स्टार्टिंग होता है वो सादी पाव भाजी, बटर पाव भाजी, चीज़ पाव भाजी, आप मतलब नॉर्मली सब लोग यही पाव भाजी के नाम सुने रहेंगे, नहीं तो कई कई और भी सुने रहेंगे। लेकिन अपने पास जो पाव भाजी मिलती है उसमें है बटर पाव भाजी, चीज़ पाव भाजी, फिर अपने पास आती है स्मोकी पाव भाजी, तंदूर पाव भाजी, मेथी पाव भाजी, पालक पाव भाजी, ब्लैक पाव भाजी, पनीर पाव भाजी, ग्रीन पाव भाजी, ऐसे अलग अलग है ये है जो अभी तक जो है मेरे पास इतनी लिस्ट है। और जैन लोगों के लिए? जैन लोगों के लिए हम जैन पाव भाजी बनाते हैं। जैन लोग बेसिकली जो जमीन के अंदर जो उगते हैं बटाटा है, कांदा है, ये चीज़ ये सब लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसके लिए वो जैन पाव भाजी भी अलग से बनाते हैं। अभी आपने तो सुना इतने अलग अलग किस्म के नाम, पाव भाजी ये मुंबई की एक मशहूर डिश है। जैसे मुंबई वाला आदमी बोलेगा तो वड़ा पाव, पाव भाजी, इसके बारे में बहुत शौकीन होता है। तो आप मुंबई वालों के जो डिशेस है उसमें और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि अलग अलग किस्म की पाव भाजी। तो आपने अभी बताया था कि ग्रीन पाव भाजी है, ब्लैक पाव भाजी है, स्मोकी पाव भाजी, तंदूर पाव भाजी, तो ऐसे अलग अलग पाव भाजी का जो नाम आपने लिया है उसके बारे में थोड़ा सविस्तर डिटेल बता दीजिए। अपने पास जो है जो पाव भाजी अलग अलग है उसमें बेसिक पाव भाजी जो नॉर्मल है वो तो अपनी बनती ही है, उसके अलावा जो अपनी स्मोकी पाव भाजी बनती है इसमें हम लोग स्मोक देते हैं उसको, तंदूर जैसे बनता है वैसे स्मोक देते हैं उसको, इसे हम लोग स्मोकी पाव भाजी बनाते हैं। स्मोक किस चीज का होता है? स्मोक जो होता है अपना कोयले का होता है स्मोक, वो हम लोग कोल जो है वो गर्म करते हैं और उसके बाद में वो एक वाटी में रखा जाता है और उसको अंदर पाव भाजी के ऊपर रख के फिर उसको हम लोग बंद कर देते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग जो हमारा जो खुद का मसाला है जो स्मोकी में डालते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस अच्छा आता है, सुगंध अच्छी आती है, तो वो डालते हैं, तो उसके वजह से वो जो फ्लेवर है अपने आप स्मोक देता है। कुछ और बटर चीज है? नहीं, बटर उसमें उसमें बटर डालते हैं और उसके बाद में हम लोग अपना मसाला डालते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली वो स्मोक कोयले के ऊपर जाने के बाद में वो स्मोक जो छोड़ता है उसकी जो स्मेल है वो उसमें मिक्स हो जाती है और जो अच्छा लगता है। ओके, और चीज का भी स्मोक होता है? चीज नहीं होता उसमें, चीज अब हम लोग अलग से डालते हैं फिर निकाल के फिर उसको उसके ऊपर। अगर आपको स्मोकी पाव भाजी एक अलग हो गया और बाद में आपको एक्स्ट्रा आपको चीज चाहिए तो फिर हम लोग अलग चीज डाल सकते हैं। चीज एक ऑप्शनल है, चीज में आप बेसिक पाव भाजी में भी आप बटर पाव भाजी भी खाएंगे तो आप कस्टमर बोलेगा तभी हम चीज देते, नहीं तो हम एक्स्ट्रा नहीं देते। ओके, अभी आपने बताया था कि मेथी पाव भाजी। हाँ जी, तो ये संकल्पना बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादातर और बड़े भी बहुत बार मेथी खाना पसंद नहीं करते, मगर मेथी पाव भाजी ये आपके दिमाग में कैसे आ गया और क्या खासियत है इसकी? नहीं, अभी कैसे है, कोई भी चीज़ अगर नहीं ट्राई करते हम तो जो भी इंडस्ट्री में है मतलब फूड इंडस्ट्री में भी है, जब भी वो कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो पहले अपने घर पे 4-5 बार 10 बार बनाता है। वैसे ही मेथी है, पालक है, फिर बहुत से अलग अलग ये है, मिंट है, बहुत सी चीज़ें हम लोग पहले बनाते हैं हमारे घर पे और उसके बाद में जो चीज़ हमको लगती है करके कि नहीं भाई ये चीज़ अच्छी बनी, तो एक बार बनी होगी तो गलती से बनी होगी, दो बार बनी होगी तो गलती से, लेकिन अगर वो गलतियाँ घड़ी घड़ी हो जाए मतलब बार बार हो जाए तो वो गलती नहीं होती, वो एक अच्छा निर्णय होता है, नहीं तो एक अच्छी चीज़ बनी रहती है। तो वैसी चीज़ से हम लोग वो सीखे, मैंने बहुत बार वो पाव भाजी बनाई घर पर और वो अच्छी बनी, मेरे फैमिली में अच्छी लगी, मेरी वाइफ को अच्छी लगी, मेरे घर पर अच्छी लगी, मेरे नेबर्स को अच्छी लगी, मैं बोला यार मुझे भी अच्छी लगी, तो बोला चलो ये शूट कर दो। तो मेथी पाव भाजी वैसी, और मेथी पाव भाजी का मेन जैसे मेथी है, पालक है, अभी के जो जनरेशन है तो ये है वो लोग नहीं खाते मेथी, नहीं खाते बच्चे, नहीं खाते, लेकिन पाव भाजी बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। तो पाव भाजी में हमने वो थोड़ा सा, और उसमें ये नहीं है कि हम लोग फ्लेवर डाल रहे हैं मेथी का, नहीं तो कोई चीज़ का सेंस डाल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फ्रेश जो मेथी होती है, फ्रेश मेथी, फ्रेश मेथी जो होती है, ना ही हम लोग उसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं, फ्रेश मेथी जो उसको उसको साफ करते हैं, उसको चॉपिंग करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, उस मतलब बॉईल मतलब उसी के ऊपर हम लोग तवे पे ही सब बॉईल मिली का सब होता है और उसके ऊपर बनाते हैं वो, तो फ्रेश आपको सामने सामने बना के हम लोग देते हैं वो मेथी फ्लेवर, मेथी है, पालक है, तो उसमें एक है कि आप मेथी भी खा रहे हो और आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, भाजी पाव भाजी भी खा रहे हो प्रोटीन भी मिल रहा है साथ ही साथ सब मिल रहा है सर। फंटास्टिक, आप बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो मेथी पाव भाजी का एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं खुद ये मेथी पाव भाजी खा चुका हूँ और बहुत अच्छी लगती है। पहले ऐसा लगा था थोड़ी कड़वी रहेगी टेस्ट में, मगर वैसा कुछ होता नहीं, बहुत अच्छी थी।
अब जो ग्रीन पाव भाजी बोले, हाँ जी, तो ग्रीन पाव भाजी मतलब क्या है? ग्रीन पाव भाजी में जैसे ग्रीन बोला जाता है वैसे ग्रीन हम लोग उसमें सब्जियां डालते हैं, मतलब उसमें सारी चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग ग्रीन ले सकते हैं। जैसे अपना जो हम लोग लहसुन डालते हैं तो लहसुन की जो पात होती है तो हम लहसुन पात के साथ पत्ते के साथ में लेते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। फिर उसमें हम लोग पालक डालते हैं, वो ग्रीन होता है, उसमें कलर में अच्छा होता है तो वो डालते हैं। फिर ग्रीन पीस है, टमाटा जो होता है वो ग्रीन होता है, जो कच्चा होता है वो लेते हैं। तो ये सारे ग्रीन चीज मिक्स होके उसमें ग्राइंड होके, मतलब ग्राइंड मतलब हम लोग जो तवे पे बनाते हैं और ऐसे वो पाव भाजी बनती है, ग्रीन पाव भाजी। फंटास्टिक। अभी आपने और एक नाम लिया था, जैसे केक में हम लोग सुनते हैं ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह से, वैसे ब्लैक पाव भाजी कुछ तो नाम? यस सर, यस सर, ब्लैक पाव भाजी इसका जो बेस है वो कोकोनट से है। अपना जो सूखा खोबरा होता है उसको हम लोग गैस पे रखते हैं, उसको जलाते हैं। अपने नॉर्मल जो हम लोग मसाले पीसते हैं, ये हमारे मसाले हम लोग खुद बनाते हैं, ग्राइंड जो करते हैं, तो उसमें हम लोग ये खोबरा जो है वो जलाते हैं। और हम अपने पाव भाजी के लिए जो मसाला बनता है अलग से, उसमें तो जीरा आ गया, दालचीनी आ गया, बाकी सारी चीज़ें जो 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 चीज़ें आ गई गर्म मसाले में हमारी जो बनते हैं, वो सारे मसाले हम लोग रोस्ट करते हैं नॉर्मली जो हम लोग पाव भाजी मसाला बनाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ी जलाते हैं उसको, उसको थोड़ा ब्लैक कलर आने तक हम लोग जलाते हैं, पूरा जलाते नहीं है, और उसको फिर उसको ग्राइंड करके हम लोग जो मसाला बनता है और कोकोनट का मसाला, तो बेसिकली कोकोनट बेस्ड मसाला होता है और दूसरा जो मसाला होता है पाव भाजी का मसाला होता है, तो अपना जो ब्लैक कलर आता है उससे वो बनता है और उसका थोड़ा सा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। ओके, आपने बहुत सालों से ये सब पाव भाजी बनाई है, और एक सवाल बहुत बार मन में ऐसा उठता है कि ऐसा बोला जाता है आजकल कि ये लॉकडाउन और ये फेज में यूट्यूब की सहायता से चाहे कौन सी भी डिश है हम लोग घर में बना लेते हैं। तो पर्टिकुलरली जब भी पहला 2 महीने का एकदम स्ट्रांग लॉकडाउन था तभी ये बहुत अच्छा लगा था कि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं या और सोशल मीडिया पे ये सब देखते हैं और खुद घर में बनाते हैं। तो यहाँ तक कि पाव भी हमने घर में बनाया था देख के। तो मगर एक चीज ऐसी होती है कि पाव भाजी जब भी हम लोग बनाते हैं यूट्यूब पे देख के, और जब भी हम लोग होटल में जाके या किसी एक्सपर्ट शेफ ने बनाया पाव भाजी खाते हैं, तो उसकी टेस्ट में बहुत फर्क होता है। हमारी भाजी होती मगर वो जो पाव भाजी का जो ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए उसमें थोड़ी तफावत आ जाती है। तो ऐसी क्या खासियत है कि आपकी पाव भाजी अलग होती है, होटल वालों की पाव भाजी अलग होती है, और यूट्यूब पे देख के किया हुआ पाव भाजी अलग लगता है, तो इसके बारे में बताएं। नहीं नहीं, अभी लॉकडाउन की बात करें तो आपने जैसे बताया कि हम लोग ने पाव तक घर पे बनाया, तो एक्चुअली लॉकडाउन में सारे जन कुक बन गए थे, तो वो तो चीज़ है ही है। बट कैसे होता है, नॉर्मली हम लोग जो पाव भाजी जो बड़े बड़े कुक है, बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें, ये क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नामचीन नाम है, तो वो जो बनाते हैं नहीं तो वो लोग जो प्रक्रिया बताते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग, मैं भी देखते रहता हूँ सबका। बट वो मसाले जो है, उनके जो मसाले होते हैं, एक्चुअली कुक की पहचान उसके मसाले से होती है। अगर आप जाएंगे कहीं पे पाव भाजी का स्पेशल जगह होगी जहाँ पे आप पाव भाजी खाते हैं, या तो फिर एक बिरयानी की स्पेशल जगह होगी जहाँ पे आप बिरयानी खाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है करके कि वो स्पेशल मसाला वो उनका रहता है, वो उनकी चीज़ है, जो USP होती है वो उनके पास होती है। आज अगर मेरे पास पाव भाजी खाओगे तो मैं तो मेरा मसाला यूज़ करता हूँ, मैं मार्केट में मिला हुआ मसाला यूज़ नहीं करता हूँ। आप जो YouTube पे देखते हो और मसाला डालते हो उसमें, तो आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड आप लेके आते हैं, वो सारे दिन यूज़ करते हैं। लेकिन जो कुक बनाता है वो उनका ब्रांड होता है, वो उनका मसाला होता है। ऐसे इसीलिए वो सारी चीज़ें, मतलब जहाँ का वड़ा पाव होता है, जहाँ की बिरयानी होती है, कहीं की कुछ अलग अलग वराइटीज़ होती है, वैसे पाव भाजी की भी होती है। करके हमारे पास जो पाव भाजी खाएंगे तो वो हमारा मसाला होता है, हमने खुद पिसा हुआ रहता है उनकी, ये होता है तवा, हम गर्म तवा तो सब गर्म करते हैं सर, लेकिन कैसा होता है उसमें हर एक चीज़ हर एक टाइम पे डालनी होती है। अगर आप तवा गर्म करते हो और उस पर पहले आप अगर टमाटर डालते हो, कांदा बाद में डालते हो, तो कांदा पकेगा ही नहीं आपका। तो वो क्राइटेरिया है, मतलब वो चीज़ उतने टाइम पे वो गर्म होने के बाद हम लोग उसमें बटर डालना है, फिर बाद में जीरा डालना है, फिर बाद में ऑनियन डालना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, फिर टमाटर डालने के बाद उसको नमक डालना है, क्योंकि फिर बाद में आपका बटर टमाटो जो है वो बराबर से उसमें पानी छोड़े या तो फिर वो बराबर बने। तो वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो वीडियोज़ में नहीं होती है, नहीं तो हर एक चीज़ आपको डिटेलिंग नहीं बताई जाती है। जो डिटेलिंग है वो चीज़ डिटेलिंग वो कुक को मालूम होती है। और वो जो मेन मसाला है जो आपको बताया जाता है करके पाव भाजी मसाला डालो, तो हम लोग ने भाई एक दूसरा ब्रांड उठा लिया और उसमें वो डाल दिया, तो वो चीज़ होती है करके। वो घर की पाव भाजी और बाहर की पाव भाजी, जो मतलब होटल की पाव भाजी, इसमें बहुत डिफरेंस होते हैं। उनके मसाले होते हैं और अपने जो मसाले होते हैं वो रेडीमेड मसाले होते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली। तो मतलब कुक का
उसका मसाला अलग होता है, वो लोग अपना सीक्रेट बाहर छोड़ते नहीं है। अरे सर, सब लोग अगर बाहर अगर अपना सीक्रेट छोड़े तो फिर वो सब चीजें नहीं होती है ना, फिर कैसे है? सिखाने से अच्छी होती है कि किसी को सिखाए तो नॉलेज बढ़ता है, वो चीज गलत नहीं है। बट कैसे अभी बहुत से ब्रांड जो है वो पकड़ के रखे हुए अभी तक करके, क्योंकि हमारी यूएसपी जो है वो यूएसपी ठीक है, हम लोग वो उसको नहीं है ना, मतलब हर एक ब्रांड अलग अलग होता है, वो कुक थोड़ी, वो कुक थोड़ी बताता करके भाई, वो जो कुक भी बताता है वो क्वांटिटी बताता है, लेकिन वो 100% सेट नहीं होती है सर, वो चीज यूएसपी उनकी खुद की होती है। ओके, अभी मुंबई वाले पाव भाजी के बहुत शौकीन होते हैं, वड़ा पाव, पाव भाजी, ये सब हमारी बहुत अच्छी चीजें होती है। तो मुंबई में आपका होटल कहाँ पे है कि जिससे आप सर्व करते हैं? ये अपना जो है ये चेंबूर में अपना लोकेशन है, अभी फिलहाल जो अभी ये आउटलेट है वो चेंबूर में है, चेंबूर और तिलक नगर के बीच में शेल कॉलोनी है, उस बराबर नाके पे मैफको करके, उसके बराबर अपोजिट साइड में अपना यम्मी फिश शेफ पाव भाजी करके अपना। और आप अगर हम लोग मुंबई में समझो आपके कितने करीब रहते हैं तो आप होम डिलीवरी दे सकते हैं? यस, अपना खुद के मतलब अपने डिलीवरी बॉयज है, देन उसके अलावा हम लोग स्विगी, जोमेटो, यूबर यूट्स, इसमें भी हम लोग डिलीवरी देते हैं। तो ऑलमोस्ट अपना जो ये डिलीवरी सिस्टम जो है वो अभी 60-40 के रेशो में चल रहा है, मतलब 60% अपन डिलीवरी करते हैं हम लोग और 40% अपने कस्टमर जो आते हैं वो वॉकिंग कस्टमर वो ही करते हैं। तो मुंबई में आपको 4 किलोमीटर के एरिया में चेंबूर के? यस यस यस, एज पर द डिसाइड उनके जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से तो उतने डिलीवरी देते हैं हम लोग। अभी और एक सवाल है कि मैं मुंबई वालों को तो जरूर बोलूंगा कि मुंबई में आप कहीं भी रहते हैं तो अच्छी पाव भाजी खाने का मन करता है तो चेंबूर आया कीजिए। अगर आप चेंबूर में रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप नंबर दिया है आपके इधर फोन नंबर, आप फोन करके आ जाइए। अभी एक सवाल है कि मुंबई एरिया हम लोग बोलते हैं, जैसे कि विरार है जो एक्चुअली मुंबई के बाउंड्री में आता नहीं, मगर हमारे मुंबई वालों की एक डेफिनेशन है जहाँ तक लोकल ट्रेन जाते हैं वो मुंबई, तो पनवेल है, कर्जत है, विरार है, तो ऐसी जगह पे आप अपनी पाव भाजी का कैटरिंग कर सकते हो क्या? जैसे किसी की शादी की पार्टी है या और कोई किस्म की पार्टी है तो कितने लोग होने चाहिए तो आप वहाँ पे सर्विस देंगे? नहीं नहीं, ये बराबर है, एक्चुअली शादी के जो कैटरर्स होते हैं उनके उनके आपने देखे होंगे तो पानी अलग लगा होता है, पाव भाजी का अलग रहता है, तो हम लोग ऐसे हम लोग नॉर्मली पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं सारे इसमें, शादी वगैरह में, बर्थडे की पार्टी है तो उसमें, नहीं तो प्राइवेट फंक्शन है उसमें भी हम लोग करते रहते हैं। बट उसमें एक ये होता है करके कि बाबा विरार में है तो हम लोग मिनिमम 200 पीपल, उतना आदमी होगी तो मिनिमम हम लोग उतनी क्वांटिटी के ऑर्डर लेते हैं, या तो फिर वैसे है विरार में किसी को चाहिए बाबा 25 की चाहिए तो हम लोग ऐसे नहीं कि उसको ऑर्डर छोड़ते हैं, हम बोलते हैं करके बाबा आप या तो इस तरफ आ रहे हो तो आप ले लो या तो फिर डिलीवरी चार्जेस दे दो, ये चीज़ें हम लोग भी करते हैं। मतलब वहाँ पे अगर स्पॉट्स पे बनाना है, स्पॉट पे अगर बनाना है तो मिनिमम 200 आदमियों के हम लोग ऑर्डर लेते हैं, और अगर स्पॉट के अलावा उनको अलग से 150 आदमी का बनाना है, 50 आदमी का बनाना है, 100 आदमी का बनाना है तो हम लोग हमारे स्पॉट पे बनाते हैं, हमारे होटल में बनाते हैं और फिर हम लोग डिलीवरी करते हैं या तो फिर उनको पिकअप करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो आप जरूर टेस्ट कीजिएगा, नंबर दिया है आपके इधर फोन नंबर, आप फोन करके आप डेफिनेटली ये काम कर लीजिए। अभी और एक सवाल है कि हाइजीनिटी जो आपका होटल है तो वहाँ पे हाइजीनिक लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, अभी पहले जो होता था लॉकडाउन के पहले, नहीं तो इसके भाई हम लोग दो दो तीन तीन बार अपना मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, तो अपना उसमें झाड़ू पोता कटा अपना लगता ही है रेगुलर, इस पर क्लीनिंग होता है, अपना काउंटर साफ होना, बाकी की चीज़ें होना, वो सारी चीज़ें अपनी क्लीन होती है, धोया जाता है सारी चीज़ें। बट अभी जो है वो तीन तीन टाइम अपना सैनिटाइज होता है चीज़ें, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है स्टाफ की, फिर उनको ग्लव्स दिया गया हुआ है, मतलब नॉर्मली पाव भाजी बनाने के लिए तो ग्लव्स पहनते नहीं है बट सर्व करने के टाइम हम ग्लव्स पहनाते हैं, बाकी चीज़ें ये होती है तो वो चीज़ में इतना उसमें अच्छे होता है। बट अभी ऐसे बोला जाए कि कोरोना के इसमें जो है वो वायरस के वजह से बहुत सारी चीज़ें ये होती है, बट अपना जो है मुझे ये चीज़ पर थोड़ी हंसी आती है क्योंकि 36-50% तक अगर वो वायरस की उसकी कैपेसिटी डिग्री तक अगर कैपेसिटी है तो अपने होटल लेवल पे जो हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है ना, जो हम लोग जिस डिग्री पे हम लोग वो ये करते हैं वो 100+ हो जाती है, तो उसमें कोई वायरस वगैरह टिक नहीं सकता है सर, मतलब होटल वगैरह वो सब चीज़ें तो पहले ही स्टार्ट नहीं की थी, तो मतलब ये सब चीज़ें ऐसे करके वो माहौल मतलब ज़्यादा गर्दी ना हो इसके लिए बराबर है, बाकी जो गर्मी से हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है उसमें कि कोई हीट पे कोई वायरस ये नहीं होता है, और हम लोग जो चीज़ें गर्म करते हैं, गर्म चीज़ें हैं उस पर वो नहीं हो सकता, और गर्म सारी चीज़ें गर्म पैक करते हैं सर,
और जो गर्मी है हम लोग वो जब गर्म होता है वो तभी हम लोग उसको पैक करते हैं, तो वो एरिया में भी कुछ नहीं है उतना होने की कोई संभावना नहीं है। ओके बड़ी अच्छी जानकारी आपने पाव भाजी के बारे में दी। थैंक यू सर। और आप डेफिनेटली अलग अलग किस्म की पाव भाजियाँ यहाँ पे आप ट्राई करेंगे। और एक सवाल पूछता हूँ कि पाव भाजी के अलावा आपके होटल में और क्या चीज़ मिलती है? अपने होटल में अभी मैंने दाबेली स्टार्ट की है, दाबेली है उसमें, दाबेली भी मैंने सेम कंसेप्ट रखा है पाव भाजी के जैसे कि दाबेली है, बेसिक पाव दाबेली है, उसके साथ में मैंने चीज़ दाबेली उसके साथ ऐड ऑन हो गई, बाद में सेजवान दाबेली एक ऐड की है, और उसके साथ साथ हम लोग उसमें और भी वराइटीज बढ़ा रहे हैं। देन मिसल पाव स्टार्ट होगा अपना भी, मिसल पाव ऑलमोस्ट मतलब डिलीवरी जब होती है ऑर्डर्स आते हैं तो अपने मेनू में लगा हुआ है मिसल पाव का भी, जो क्वांटिटी वाले में इसमें होते हैं तो हम लोग मिसल पाव भी देते हैं, सैंडविचेज में अलग अलग ये है, तो मतलब ये थोड़ा बढ़ते रहेगा, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। नहीं ये तो है, अभी पुलाव और बिरयानी भी आप देते हैं? ये सब पुलाव बिरयानी भी देते हैं। ओके अभी हम लोग बोलते हैं कि आपका होटल तो पूरा वेजिटेरियन है। यस सर। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वेज बिरयानी है कंसेप्ट है ही नहीं, बोलते पुलाव और बिरयानी, तो वेज बोलेगा तो पुलाव और नॉन वेज बोलेगा तो बिरयानी, तो जरा बिरयानी का मतलब क्या, वेज बिरयानी कैसी होती है आपकी और वेज पुलाव कैसा होता है, क्या फर्क है दोनों में? नहीं बिरयानी ये टोटली मतलब अलग ही कंसेप्ट, मतलब बिरयानी और पुलाव इनको मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो ग्रेवी पहले बनती है उसकी, वैसे पुलाव की ग्रेवी पहले बनती है, बट उसमें क्या होता है राइस वगैरह मिक्स होता है, उसमें लेयर बनती है, नीचे राइस भाजी रहती है उसके ऊपर राइस रहता है फिर भाजी रहती है फिर वो ये होता है, बाद में वो स्टीम होता है, तो उसके बाद में वो स्टीम होकर फिर उसको बोलते हैं हम लोग करके कि दम बिरयानी बोलते हैं उसको, वो बिरयानी एक्चुअली उसको बिरयानी बोल सकते हैं, जो टॉप में हम लोग बरन करके उसमें दम देते हैं वो बिरयानी है, बाकी जो तवे पे होता है वो तवा पुलाव होता है, और जो दूसरा होता है जो कढ़ाई में ये वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पुलाव बोलते हैं, जो मतलब वेजिटेबल जिसमें राइस वगैरह सब मिक्स होता है उसको हम लोग पुलाव बोलते हैं, तो मतलब एक अलग अलग हर एक चीज़ अलग अलग है वो। तो आपके इधर ये सब आप कैटर करते हैं? यस यस सर, टेस्ट भी सबकी अलग होगी सर, आप अगर तवे पे खाते हैं तवे का जो होता है उसमें जो मसाला वगैरह मिक्स होता है, नहीं तो फिर उसमें जो राइस मिक्स होता है वो वेजिटेबल्स में, तो उसकी टेस्ट अलग होगी, आप जो कढ़ाई का खाओगे जो पुलाव खाओगे तो पुलाव में वो कितना लेवल में वो भाजी उसमें मिक्स होना चाहिए, नहीं तो कितना ग्रेवी होना चाहिए, नहीं तो कितने इसमें वो तीखा होना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक कैटेगरी के हिसाब से वो हिसाब से वो बनती है, वो कुक बराबर बना लेता है वो। और जो दम बिरयानी होता है उसका एक अलग ये होता है करके, तुम आपको उसमें वेजिटेबल भी मिल जाएगा और उसको राइस भी मिल जाएगा और वो मसाला बराबर से आपको बराबर निकल के दे देगा, वो ऐसा होता है सर अलग अलग चीज़। ओके तो बड़ी अच्छी जानकारी मिल गई आपसे कि ये सब चीज़ें भी आप देते हैं। अभी और एक सवाल है कि ये तो हो गया पाव भाजी, पुलाव, दाबेली, बिरयानी, ये सब आपके होटल में मिलता ही है, और इसके अलावा आप प्राइवेट कैटरिंग के ऑर्डर लेते हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। नॉर्मली क्या है करके हम लोग जो ये है कैटरर्स का जो है उसका ये है करके कि अपना नॉर्मली शादी के ऑर्डर मिली, शादी की है, बर्थडे की है, कोई प्राइवेट फंक्शन है, नहीं तो कोई भी चीज़ की ऑर्डर हो, जब भी शादी के ऑर्डर होगी तो मॉर्निंग में नाश्ते से लेके चाय से लेके फिर दोपहर का खाना फिर कहीं कहीं इसमें शाम का खाना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसमें डिस्प्ले से हम लोग जो डिस्प्ले लगाते हैं वो, फिर बाद में भी स्वीट्स हो गया, फिर उसमें बनाने से लेके सर्विंग तक, फिर उसमें वेटर्स आ गए, वेटर्स हो गए, फिर लेडी वेटर्स हो गए, तो मतलब डिस्प्ले भी अभी आप देखेंगे बाद में फोटोज जो है मेरे पास, फोटो हम लोग जो ये करेंगे उसमें कि एक अलग अलग चीज़ में अलग अलग, और जैसे मतलब अभी एक गुजराती की शादी है तो उसको गुजराती कुक चाहिए, फिर एक मोमेडियन का है तो उनको मोमेडियन कुक चाहिए, तो उनको साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन कुक चाहिए, मतलब वो अलग अलग हर एक का बनाना का स्टाइल जो होता है अलग अलग, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन तरीके से चाहिए, तो हर एक इसमें हम लोग को अलग अलग कुक की जरूरत पड़ती है, तो वैसे सारे हर एक कास्ट के अपने पास अलग अलग कुक है, और बहुत से अलग अलग शादियाँ हमने की हुई है इसके पहले भी, तो वो हिसाब से हम लोग कैटरिंग के ऑर्डर्स करते हैं, और नॉर्मली मिनिमम जो होता है अपना 500 आदमी तक का मिनिमम ये होता है, 350 आदमी ये मिनिमम अपना वो होता है करके कि इतनी इतनी क्वान्टिटी चाहिए अपने को कैटरिंग के ऑर्डर में, हम लोग इतना करते हैं। ओके तो अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो जरूर यहाँ पे जो नंबर दिया है इसके ऊपर आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद।